हेलो भाई साहब, ये क्या जंगल में ला लिए मेरे को? वापिस मेरे को मुंबई ले जाओ। बॉलीवुड में सल्लू भाई के साथ 6-6 फिल्म साइन करवाऊ मैं। चलो, तुम बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं कर रहे हो और तुम्हें कोई 6-6 फिल्में नहीं मिली। एक्चुअली ब्रदर, इट वॉज ऑल प्लान बाय मी। मतलब वो मैनेजर, वो ऑफिस, सल्लू भाई, बॉलीवुड के 6-6 फिल्म, वो पूरा प्लान था? यस, मगर डोंट वरी, अगर तुम्हें बॉलीवुड की फिल्में करनी हैं तो सलमान खान के साथ सेकेंड हीरो तुमको बनाकर मैं 3-3 फिल्में निकाल सकता हूं। रहीम, इन्हें तेरे को हाथ पे ले लिया, तेरे अरमानों के घोंसले में सुनामी आ गई। कम, आई विल शो यू समथिंग। सो व्हाट डू यू? बड़े भाई, जल्दी आ जाओ, बॉलीवुड को मेरा इंतजार है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। कमिंग सर, कमिंग। वहां नहीं, वहां नहीं, यहाँ सामने। कौन तो भी सुबह सुबह आ गए जी ये? अजी, मारो। अजी, हाँ हाँ, क्या हुआ? बच्चे तो ठीक है ना? कोई कुछ तो नहीं करे ना? कोई तकलीफ तो नहीं दिया ना? बच्चे कहाँ था तू? मैं तेरा रास्ता देख रही थी। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। Now it's your turn. तुम राणा प्रताप के बेटे हो। राणा प्रताप को सारा गांव भगवान मानता था। सत्या और मैं राणा प्रताप के बहुत करीबी दोस्त थे। एक बार गांव में जब सूखा पड़ गया तो राणा प्रताप बहुत बेचैन हो गया और मुझसे कहने लगा कि मेरी सारी ज़मीन जायदाद गांव वालों में बांट दूं। उस दिन सत्या कहीं से ये बात सुन रहा था जो मुझे और राणा प्रताप को बिल्कुल पता नहीं था। फिर उसके बाद भाभी, तुम तीनों को जन्म देकर हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। एक दिन मुखिया को बुलाकर सारे गांव वालों के सामने पूरी जायदाद गांव वालों को बांटने की तैयारी कर रहा था। फिर सत्या ने मुखिया को खरीद कर राणा प्रताप को ख़त्म करने की साजिश कर रहा था। एक रात सत्या और उसके साथियों ने मुझे जकड़कर शराब में जहर मिलाकर राणा प्रताप को ख़त्म कर दिया। फिर मैं और आयशा अपनी जान पे खेलकर तुम तीनों भाइयों को वहाँ से लेकर भाग निकले। जालिम सत्या से तुम तीनों की जान बचाने के लिए हम लोग चर्च की तरफ भागे। फिर तुमको झूले में छोड़कर चर्च की बेल बजाई। उतने में फादर आकर जब तुमको गोद में उठाया तो हम दोनों ने सुकून की सांस ली और वहाँ से चल पड़े। सत्या और उसके लोगों से जान बचाने के लिए हम साईं बाबा के मंदिर पहुँचे और दूसरे लड़के को वहाँ पर छोड़ दिए। साईं बाबा के भक्त और उनके बीवी ने जब बच्चे को गोद लिए तो हम लोग फिर से सुकून की सांस लिए। फिर हम एक दरगाह के पास आ पहुँचे। मैंने आयशा से कहा, आयशा, अपनी जान खतरे में है, इस बच्चे को दरगाह में छोड़ देंगे। फिर आयशा ने कहा कि नहीं, मैंने इस बच्चे को दूध पिलाया है, हम इस बच्चे को लेकर गांव छोड़कर चले जाएंगे। मेरी आखिरी सांस से पहले मैं तुम तीनों भाइयों को एक साथ देखना चाहता हूँ। हाँ बेटे, आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। उसका नाम है साईराम और वो मुंबई में रहता है। क्या? या अल्लाह, मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक।